अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। आखिर क्यों रिपोर्टर भीख मांगने के लिए हुआ मजबूर? चार दिनों तक सड़कों पर रहा घूमता रिपोर्टर, भिखारियों के गैंग के साथ पटना के चौराहों व मंदिरों पर भटकता रहा रिपोर्टर। आशीष मिश्रा, उपेंद्र द्विवेदी, मंडल ब्यूरो, बस्ती। एक प्रतिष्ठित अखबार के रिपोर्टर को आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी? वह पटना की गलियों में, चौराहों में भिखारी बनकर भटकता रहा। जी हाँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर के उसका बाजार के रहने वाले वरिष्ठ रिपोर्टर मनीष मिश्रा ने पटना में चल रहे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए भिखारी बनकर पटना की सड़कों व गलियों में चार दिनों तक कड़ी धूप में घूमते रहे। यही नहीं, अपनी रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने भिखारियों द्वारा फटकार और डांट भी मिलती रही, लेकिन अपनी बेबाक और निर्भीक रिपोर्टिंग से पत्रकारिता क्षेत्र में कदम रख रहे युवाओं के लिए आदर्श बन गए। एक खास बातचीत में मनीष मिश्रा ने बताया कि पटना में चल रहे भिखारियों रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें यह करना पड़ा। यही नहीं, यह भिखारियों को जरा भी शक होता तो वह एसिड फेंक देते। यूं कहे तो अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने समाज के हित के लिए यह बड़ा कदम उठाया। अपने रिपोर्टिंग के जरिए मनीष मिश्रा ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया जहां करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा था। अपनी रिपोर्टिंग में उन्होंने भिखारियों के बैठने की जगह उनके कमीशन रेट वसूली के पैसे के लेन देन वसूली करने वाले गैंग, इन सब के बारे में तहकीकात की। चार दिनों तक अलग अलग जगहों पर भिखारी बनकर घूमने के बाद इसकी तह तक जाने का मौका मिला, तब जाकर कहीं इस रैकेट का पर्दाफाश किया जा सका। खबर लिखे जाने के बाद सभी अड्डों पर सन्नाटा पसर गया। अपनी शानदार रिपोर्टिंग के चलते मनीष ने युवाओं के दिल में अपनी छाप छोड़ दी है। उन्होंने यह तय कर दिया कि आज भी देश का चौथा स्तंभ समाज के हर उस तबके के साथ जुड़ा हुआ है जहां लोग संवेदनहीन हो चुके हैं। आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसे पत्रकार देश में मौजूद हैं जो पत्रकारिता को अपनी ड्यूटी नहीं बल्कि अपना धर्म मानते हैं। अपनी इस खास रिपोर्टिंग के बाद मनीष मिश्र सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं। लोग इस रिपोर्टर के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। मनीष मिश्र ने पत्रकारिता में अपने रास्ते खुद तय किए। राजसी घराने में पैदा होने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा के लिए पत्रकारिता को चुना।